हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सर दर्द छुटकारा कैसे पाएं, कैसे हम अपने सर दर्द छुटकारा पा सकते हैं, अपने घुटनों के दर्द छुटकारा पा सकते हैं। कहीं भी आपको हड्डी में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो रहा हो, तो इस छोटे से नुस्खे के द्वारा बहुत ही आसानी से आप अपने दर्द छुटकारा पा सकते हैं। इस नुस्खे को आपने कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है, यह जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह जानकारी आपको देने से पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्योर सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको बाजार में कहीं से भी मिल जाता है, परंतु आजकल कहीं जगह ये मिलावट वाला तेल आ रहा है। आप कोशिश करें प्योर सरसों का तेल ही खरीदें, और इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसे आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, जैसे जब भी आप सब्जी में बनाते हैं, तो सब्जी में आप अगर सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमें अंदरूनी शक्ति भी बहुत ज़्यादा प्रदान करता है। सरसों के तेल को आप जब गर्म करेंगे तो गर्म होने के बावजूद भी इसमें अपनी शक्ति बनी रहती है। अगर हम रिफाइंड वगैरह का यूज करते हैं तो रिफाइंड वगैरह में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारे शरीर को अंदर से खोखला ही बनाते हैं। ये हमारे शरीर को सरसों का तेल ताकत प्रदान करता है। सरसों का तेल में ही हमें खाना बनाकर खाना चाहिए। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, सर के बाल काले बने रहते हैं और हमारी त्वचा को भी कोई रोग नहीं होता। आपने प्राचीन समय में देखा होगा, कुछ लोग पहले शुरू से ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले आ रहे हैं, तो वो जब भी स्नान करते हैं और स्नान करने से पहले, स्नान करने के बाद तेल की मालिश अपने बॉडी पर अवश्य करते हैं। इससे त्वचा का कोई रोग नहीं होता, हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं और उनके अंदर ऐसी ताकत का संचार होता है कि वो चलते फिरते रहते हैं। आजकल के छोटे बच्चे भी जब से दौड़ते हैं और थक जाते हैं, मेन कारण क्या है, वो तेल से परहेज करते हैं, तेल से दूर भागते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के तेल के मालिश करेंगे तो आपके बच्चे भी खुद देखेंगे आप कि कुछ समय में उनको जो दर्द हुआ करता था, वो दर्द भी बिल्कुल खत्म हो गया है। आप अपने बच्चों की अपनी प्रतिदिन इसी तेल से मालिश करें और कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपको जो दर्द हुआ करता था, दर्द भी सब खत्म हो गया है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा अदरक और लहसुन को गर्म करें और इस गर्म तेल से अपने घुटनों की मालिश करें। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार अवश्य करें। 2 से 4 दिन लगातार करेंगे आप, तो आपको फर्क खुद महसूस होने लग जाएगा। आपका दर्द पहले की भांति कम हो जाएगा। अगर आपके सर में दर्द है तो सरसों के तेल को हल्का गुनगुना गर्म करके अपने सर में मसाज करवाएं, आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कुछ लोग जो हैं सरसों का तेल से परहेज करते हैं, उन्हें इनमें स्मेल आती है या सर में लगाने से डरते हैं कि सर में तेल नहीं लगाना, तो रात्रि के समय में आप तेल लगा लें और सुबह के समय में वॉश कर लें। ये आपको अपना असर भी हो जाएगा तेल का और आपके बालों में से तेल निकल भी जाएगा। ऐसा आप सप्ताह में 2 से 3 बार अवश्य करें, आपके बालों की समस्या भी सारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आपके सर में, तो वो सब सरसों का तेल ठीक कर देगा। अगर आपको कोई त्वचा रोग है तो सरसों का तेल प्रतिदिन अपनी त्वचा पर लगाएं, कुछ दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके कोई त्वचा रोग नहीं होगा, बिल्कुल सब ठीक कर देगा। ये सरसों के तेल में बहुत ही ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो मेरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जरिए औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय दोस्तों।